हैं बड़ी खबर दिल्ली से। राजू श्रीवास्तव का दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हार्ट अटैक के बाद 42 दिन से लगातार उनका दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा था, और जिसके बाद आज राजू श्रीवास्तव ने अंतिम सांस ली। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का एम्स में निधन हुआ, जिनमें उनको हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद से लगातार उपचाररत है एम्स में। 58 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ है। न्यूज एजेंसी ANI ने बताया, राजू के परिवार ने उनके निधन की पुष्टि की है। राजू लंबे समय से दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती चल रहे थे, लगातार उनका इलाज चल रहा था, और आज उन्होंने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि हार्ट अटैक आने के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। पिछले 42 दिन से लगातार उनका दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज चल रहा था। कॉमेडियन को 10 अगस्त को सुबह हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा था कि डॉक्टरों ने उनके सिर का सिटी स्कैन कराया तो दिमाग के एक हिस्से में सूजन मिली थी। 15 दिन बाद जानकारी सामने आई कि उन्होंने अपना एक पैर मोड़ा था, लेकिन उन्हें होश नहीं आया और उनका ब्रेन भी रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया था। एम्स में राजू की एंजियोप्लास्टी की गई, जिसमें हार्ट के एक बड़े हिस्से में 100% ब्लॉकेज मिला। राजू के परिवार में उनकी पत्नी शिखा, बेटी अंतरा, बेटा आयुष्मान, बड़े भाई स्थिति श्रीवास्तव, छोटे भाई दीपू श्रीवास्तव, भतीजे मयंक और मृदुल हैं। दिल्ली से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली के एम्स अस्पताल में राजू श्रीवास्तव ने अंतिम सांस ली। लगातार उपचाररत थे, हार्ट अटैक आया था उन्हें, उसके बाद से लगातार अस्पताल में भर्ती थे, और आज दिल्ली के एम्स में ही उन्होंने अंतिम सांस ली, और इसकी पुष्टि उनके परिवार ने जानकारी दी। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वहां पर दिल्ली के एम्स में राजू श्रीवास्तव ने अंतिम सांस ली। राजू के परिवार ने उनके निधन की पुष्टि की है। लंबे समय से राजू श्रीवास्तव दिल्ली के एम्स में भर्ती थे, हार्ट अटैक के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां पर उनका लगातार इलाज चल रहा था, और आज दिल्ली के एम्स अस्पताल में राजू श्रीवास्तव ने अंतिम सांस ली।